गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 5, इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये क्या है? एक पोयम है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है टम्बलिंग। क्या इसका नाम है? टम्बलिंग, मतलब कि बच्चे जो हैं ये क्या करते रहते हैं, गिरते रहते हैं सारे दिन और खेलते रहते हैं। बच्चों आप भी क्या करते हो, सारे दिन खेलते रहते हो और कब तक खेलते रहते हो? जब तक कि रात नहीं हो जाती। यदि आपको टाइम मिल जाता है तो तब तक खेलते रहते हो जब तक कि रात नहीं हो जाती। कोई कहता है तभी आप आते हो, क्योंकि आप क्या करते हो, एंजॉय करते हो खेलने में। इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। टम्बल, TUMBLE, टम्बल। टम्बल में से होता है अचानक गिरना। नंबर 2 है SPEND, स्पेंड में से होता है बिताना। नंबर 3 WHOLE, होल में से होता है सारा, इसमें W साइलेंट है। नंबर 4 ARRIVE, अराइव में से होता है पहुंचना। तो हम देखते हैं, ये इसमें ये बताया गया है कि बच्चे जो हैं वो सारा दिन क्या करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। इन जंपिंग एंड टम्बलिंग तो वी स्पेंड अ होल डे। बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि हम खेलने कूदने में और टम्बलिंग में, अचानक गिरने में, गिरते पड़ते रहते हैं बच्चे सारे दिन, हम इसी में ही अपना जो सारा दिन है वो क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, इसी में ही अपना सारा दिन जो है वो बिता देते हैं। और वो कब तक खेलते रहते हैं? टिल नाइट बाय अराइविंग, और जब तक कि रात नहीं हो जाती। वैसे तो अराइविंग पहुंचना होता है, लेकिन रात तक वो खेलते रहते हैं। हैज फिनिश्ड आवर प्ले, हमारा जो खेल होता है ये कब तक चलता रहता है? जब तक कि रात नहीं हो जाती। इसको दोबारा देख लेते हैं। इन जंपिंग एंड टम्बलिंग वी स्पेंड द होल डे, खेलने कूदने में और गिरने पड़ने में हम अपना सारा दिन जो है वो क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। टिल नाइट बाय अराइविंग हैज फिनिश्ड अवर प्ले, हमारा जो खेल होता है ये कब तक खत्म होते हैं? जब तक कि रात नहीं हो जाती है, मतलब रात होने पर ही हमारा खेल जो होता है वो खत्म हो जाता है। जब तक हम पूरी तरह से थक नहीं जाते तब तक हम खेलते रहते हैं। व्हाट देन, उसके बाद क्या होता है? वन एंड ऑल, जब वो पूरा दिन खेलते रहते हैं और पूरी तरह से थक जाते हैं तो सभी, देयर इज नो मोर टू बी सेड, तो इसमें कहने वाली कोई ज्यादा बात नहीं है कि एज वी टम्बल्ड ऑल डे, मतलब कहने को कुछ भी नहीं रह जाता कि एज वी टम्बल्ड ऑल डे, कि जैसे कि हम सारे दिन खेलते कूदते रहते हैं, सो वी टम्बल टू बेड, इसलिए क्योंकि हम थक जाते हैं सारे दिन खेल कूद करके, तो जब हम बिस्तर पर जाते हैं तब भी अचानक गिर पड़ के हम क्या करते हैं, सोने चले जाते हैं। यानी कि हम जब पूरे दिन खेलते हैं, जब बच्चे पूरे दिन खेलते हैं तो क्या, जब वो सोने के लिए जाते हैं तब भी उन्हें अचानक सोते ही क्या हो जाती है, नींद आ जाती है। तो यार की पोयम कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीडेड क्लीन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी स्पेंड द होल डे इन जंपिंग
ऑप्शन है प्लेइंग, थर्ड ऑप्शन है ईटिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन ड्राइंग। तो ये कह रहा है कि हम अपना सारा दिन कूदने और उसमें बिताते हैं टम्बलिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपको करेक्ट है, टम्बलिंग आएगा इसमें नंबर टू। आवर प्ले फिनिशेस टिल, हमारा जो खेल होता है ये कब तक खत्म होता रहता है, टिल। फर्स्ट ऑप्शन है डे एंड नाइट, टिल मींस होता है तब, डे एंड नाइट टिल रात चलता रहता है क्या। सेकेंड ऑप्शन टिल नाइट तक चलता रहता है क्या। थर्ड ऑप्शन है नून, दोपहर तक चलता रहता है क्या। एंड फोर्थ ऑप्शन डे, दिन तक चलता रहता है क्या। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका नाइट, रात तक चलता रहता है हमारा प्ले। नंबर थ्री, विच वर्ड राइम्स विथ सैड इन दिस कॉलम। इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका सेड का, ट्राइनिंग वर्ड है आपका बैड।